अब एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 12.7 का। एक इलेक्ट्रिक लैंप है, होज रेजिस्टेंस इज 20 ओम। आप देख लीजिए, एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम दे रखा है, एंड ए कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस, ये 4 ओम रेजिस्टेंस दे रखा है, कनेक्टेड टू ए 6 वोल्ट बैटरी है। वोल्टेज हमने 6 वोल्ट इस्तेमाल किया है। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सबसे पहले हमको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, चूँकि ये दोनों सीरीज में है। आप देखिए, एक रेजिस्टेंस यहाँ आर वन मान लेते हैं, और ये रेजिस्टेंस जो बल्ब के पास जो रेजिस्टेंस है वो आर टू है। आर वन का रेजिस्टेंस 4 दे रखा है, जबकि आर टू का रेजिस्टेंस जो बल्ब का रेजिस्टेंस है वो 20 है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकालेंगे, जो कि ये सीरीज कनेक्शन है, तो आर ई बराबर हो जाएगा आर वन प्लस आर टू। सीरीज में दोनों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए सम करते हैं, तो 4 ओम प्लस 20 ओम, तो टोटल हो जाएगा 24 ओम। तो ये हमारा 24 ओम ओम जो है रेजिस्टेंस निकल के आएगी, जो कि इस पहले वाले में सॉल्व किया गया। दूसरे वाले क्वेश्चन में पूछा गया द करंट थ्रू द सर्किट, कि करंट थ्रू आउट द सर्किट क्या होगा। तो मैं बता दूं कि करंट जो है आई, इस सर्किट में आप देख सकते हो, ये करंट आई फ्लो कर रही है सर्किट के अंदर। तो टोटल करंट निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो बनता है वी अपॉन में आर इक्विवेलेंट, कि टोटल करंट इस सर्किट में कितना जा रहा होगा। वोल्टेज आप देख सकते हो 6 है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने 24 निकाला था। 6 4 जा 24 मतलब 1/4, डिवाइड करेंगे 1/4 से तो 0.25 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, नेट करंट यहाँ पे। अब चाहते हैं, चूँकि सीरीज कनेक्शन है तो करंट हमारा रिमेंस कांस्टेंट होता है और वोल्टेज हमारा अलग अलग होता है, तो यहाँ पे भी करंट जो है हमारा आई के बराबर होगा, जो कि 0.25 एम्पियर पास होगा, और इस बल्ब में भी जो करंट पास होगा वो 0.25 एम्पियर करंट पास होगी। बात हम करते हैं अगले क्वेश्चन में, द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड ए कंडक्टर। कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस हमको रेजिस्टेंस का निकालना है। तो चूंकि हम बताएं कि ये सीरीज कनेक्शन है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ईच रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, तो इसको हम V1 मान लेते हैं और इसको V2 मान लेते हैं। तो V1 जो फॉर्मूला बनेगा वो आई इंटू आर वन बनेगा। अब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 0.25 निकाल चुके हैं, और रेजिस्टेंस इसका 4 दे रखा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो वोल्टेज हो जाएगा 1 वोल्ट। तो पहले में हमारा जो सप्लाई हुआ है ये है 1 वोल्ट। टोटल वोल्ट कितना था हमारा, 6 वोल्ट था। 1 वोल्ट अगर ये कंज्यूम कर लिया, कंडक्टर वायर कंज्यूम कर लिया, तो इस बल्ब के पास कितना बच गया, 5 वोल्ट। तो आपको आइडेंटिफाई करके समझ में आ गया, कैलकुलेशन करके, कि 5 वोल्ट बल्ब के पास कंज्यूम होगी, पोटेंशियल डिफरेंस बल्ब के पास होगी, और 4 ओम जो इस वायर की जो रेजिस्टेंस है वो कंज्यूम कर लेगा। तो टोटल हमारा 1 प्लस 5, 6 वोल्ट, और 6 वोल्ट यहाँ पे सप्लाई हुआ है। तो आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा।